तो फैमिली हे फैमिली वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस मैं बहुत सैड हूँ बिकॉज क्या ही बताऊँ मैं आप सबको, मेरे साथ कुछ कांड हो गया है। आई मीन टू से ये देखो लोकेशन, मेरा बर्थडे यहीं पे सेलिब्रेट हुआ था बट कैमरा मिसिंग है। मतलब जब हमने सेलिब्रेट किया तो कुछ टाइम तक समथिंग 12 बजे 1 बजे के समथिंग हमारे पास कैमरा था। एंड गाइस उस दिन मैंने 12 बजे रात को भी सेलिब्रेट किया था, नाइट आउट की भी ब्लॉग थी। जब मैंने दो ब्लॉग शूट हुई थी, वो भी ब्लॉग उसी कैमरे पे डिपेंड करता है क्योंकि वो उसी कैमरे में मेमोरी कार्ड था एंड उसके साथ दोनों दिन का ब्लॉग्स। एंड कल नाइट में जो परसों नाइट में जो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ वो भी ब्लॉग उसी कैमरे में था बट वो कैमरा मिसिंग है। आई डोंट नो किसने लिया, कहाँ गया या फिर कहीं गिर गया है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता किसी ने वो कैमरा लिया होगा, क्योंकि यार मेरे फ्रेंड्स ऐसा तो नहीं कर सकते या फिर जो काम करने आए थे वो लोग भी ऐसा नहीं कर सकते। होप है कि मिल जाएगा, क्योंकि गाइस उस कैमरे की मेरी लाइफ में उस कैमरे की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू उस ब्लॉग की। जो मैंने उसके ब्लॉग मतलब मुझे वो कैमरा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ब्लॉग चाहिए उस दिन का, क्योंकि वो दिन मेरा वापस नहीं लौट सकता क्योंकि हमने बहुत इन्जॉय किया था, बहुत ज़्यादा। इतना प्यारा, शायद सबसे बेस्ट सेलिब्रेशन था मेरे बर्थडे का। एंड बहुत मेहनत किया था, सब ने मेहनत किया था, भाई ने, पापा ने, बुद्धू ने, बेबी ने, हर किसी ने इतने अच्छे से वो दिन को सेलिब्रेट किया था मेरे लिए। बट वो कैमरा मिसिंग है, आई डोंट नो कहाँ है, बहुत टेंशन हो रही है, बस मेमोरी कार्ड मिल जाए पूरा। एंड मैं वहीं पे आई हूँ उसी एरिया में, क्योंकि यहाँ पे कैमरा लगी है इस लोकेशन में, तो कैमरा चेक कर रहे हैं हम। आई होप मिल जाए, तो मैं आपको दिखाती हूँ किसी ने ले लिया। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कोई कर सकता है, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा भी फील नहीं है कि यार जिसके बर्थडे में आए हो उसका कैमरा लेके जा रहे हो, और कैमरा छोड़ उसमें मेमोरी कार्ड, जबकि जो भी लिया है जिसने भी लिया है, इतना तो मुझे पता है जिसने भी लिया है उसे मतलब इंटरेस्ट था वीडियो में, क्योंकि कोई ऐसा इंसान लेके नहीं जाएगा। जो इन्हें यहाँ पे वेटर थे या फिर जो काम करने वाले बंदे आए थे वो तो लेकर नहीं जाएंगे, इतना मुझे पता है। वही लेकर गए हैं जिन्हें वीडियो में इंटरेस्ट है, वीडियोस ब्लॉग्स में, जिनके पास कैमरा नहीं था। बट आई होप मिल जाए, बस इतना ही बोलूँगी। मुझे बहुत रोना भी, मैं कल बहुत रोई भी, क्योंकि सब कुछ बेकार हो गया। तो मैं भी दिखाती हूँ वहाँ पे, देखो कैमरा चेक कर। अरे देखो ये आज मेरे भैया से लिया, आजा कैमरा मिल जाएगा ना। नहीं इनसे पूछो, क्योंकि ये इनको पर डिपेंड करता है ये। गाइस यहाँ पे बहुत मज़ा भी आया था, बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया था, बहुत मतलब मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट सेलिब्रेशन था मेरे बर्थडे का, बहुत मज़े भी आए। पर जो भी आप इनसे ही पूछो, मेरा कैमरा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैमरा मिलेगा जब यहाँ पर हुआ होगा तो मिलेगा। हाँ, कोई वैसे रख के नहीं गया तो गाइस अगर यहाँ से मिसिंग हुई है तो मिल जानी चाहिए। हमें ऐसा लग रहा है कि कैमरा मेरे कार से मिसिंग हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने कार में रखी थी, क्योंकि ऐसा हुआ था गाइस कि उस दिन के ब्लॉग, जिस दिन मैंने नाइट आउट की भी ब्लॉग जो सेलिब्रेट की थी ना, मतलब जो भी बर्थडे, तो वो ब्लॉग भी उसी में था। एंड देन नाइट जो इवनिंग के टाइम पे जो फैमिली के साथ मैंने सेलिब्रेट यहाँ की थी वो ब्लॉग उसमें स्टार्टिंग की जब मैंने स्टार्ट की थी ब्लॉग वो, एंड जब मैंने यहाँ यिन की थी एंट्री की थी, जबकि उसके बाद क्या होता वो ना मेमोरी कार्ड फुल था, मतलब स्पेस नहीं था उसमें, फिर हमने बंद कर दिया था और उस कैमरे का उतना उस टाइम पे ज़रूरत नहीं थी। फिर मैंने अपने फ़ोन से शूट किया था कि, और उसके बाद क्या हुआ कि आपको पता है लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे, तो फिर ऐसा हुआ मैंने बेबी को दिया कि सारे कैमरा एंड जो भी मेरे गिफ्ट्स वगैरह हैं सारा आप जाकर कार में रखाओ, तो कार में हमने लास्ट टाइम रखा था। एंड उसके बाद भी हमने जितने भी मतलब हमारे फ़ोन में वीडियोस वगैरह हमने शूट किए सब में देखा, उसके बाद भी समथिंग लास्ट टाइम तक मेरे भाई के हाथ में कैमरा था, उसके बाद भी कहीं पर टेबल पर पड़े थे, मैं जब केक कट कर रही थी वहाँ पर था। एंड उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा कि मिसिंग कब। एंड यहाँ पर थोड़ी देर की लाइट कट हुई थी तो समथिंग एक दो मिनट के लिए भाई है ना, तीन चार मिनट मान लो यहीं पे। फिर हमने क्या किया था, अपना कार अंदर रख लिया था, अंदर लेकर आ गए थे, तो यहाँ पे
उनके विंडोज़ वगैरह ओपन था। एंड उस टाइम पे भी कैमरा हमारे पास था। जब भाई गया ना कार में तो गोलू ने कैमरा उठाया, फिर कैमरा उठाकर फिर उसने फ्रंट सीट पे रख दी, क्योंकि गाइस इतना कितना कोई बिलीव नहीं कर सकता कि हाँ किसी कोई इतना सोच भी नहीं सकता कि हाँ मिसिंग हो जाएगा कैमरा, फिर कोई ले लेगा, कोई इतना बुरा है जो हमारे पार्टी में आया, खुशी देने आया था या खुशी लेने आया था, क्या ही बोलूँ मैं आप सबको। उसके बाद लास्ट टाइम हमने उसी टाइम देखा था कैमरा। चलो देखते हैं। मैंने इसलिए ब्लॉग शूट करने को सोचा क्योंकि मुझे लगा कि आप भी सोचोगे कि दी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। आई नो मैं बीमार थी बट फिर भी सब लोगों ने मेरी खुशी के लिए बहुत कुछ किया था। एंड एक दिन में हर चीज़ हुआ था, है ना, एक दिन में सब ने बहुत कोशिश की थी कि हाँ मेरा बर्थडे बहुत अच्छा जाए, सब बहुत खुश थे, बहुत अच्छा। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं इसके अंदर भी कैमरा है। आजा जल्दी। इनसे पूछो कैमरा मिल जाएगा। नहीं देखना दुखी कर दी था। नहीं बोल रहे, बोल रहे नहीं मिलेगा। आप कैमरा ढूंढ रहे हो क्या कर रहे हो? ले पकड़। यार बुज आप इसके साथ खेल रहे हो, मतलब थोड़ी सी भी रहम करो तो मेरे ऊपर, मेरे बर्थडे का ब्लॉग। हे हेलो गाइस, मतलब रात में, मतलब ऐसा तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं लेकिन रात में इतने साइलेंट मोड पे थे, खाना भी नहीं खा रहे थे, फिर मैंने बोला खा लो, खाते हैं कोई बात नहीं। सुबह सुबह हम आ गए। कह रही हूँ क्यों नहीं दिखाया जा रहा, आप बताओ। बैक गेट का वो नहीं देखा गाइस, ऐसा है परसों में ही हम अगर चेक कर लेते तो हमें मिल जाता फोटो जो भी था जितना भी था, पर कुछ भी नहीं मिल रहा। एंड ये बहुत ज़्यादा रात को 12 बजे से लेके अभी तक जो भी है, बीच में जो लाइट कटी है वो तो कटी है, बाकी हमारा रिकॉर्ड है। और उसके बाद में हमने अभी डेट इसका सही किया, सही जब हमने किया डेट को तो अभी इस मंथ का 1 तारीख से लेके हमारा 15 तारीख तक चालू है। हाँ रिकॉर्डिंग है, उसके बाद का नहीं है। और हम भी चाहिए गाइस मिस का। हाँ तो वही तो मैं कहूँगा, उस बीच का कहेंगे तो मैं दिखा दूँगा 15 तारीख तक है, लेकिन इनको चाहिए 20 तारीख को, मैं 19 तारीख में। इनका डॉग भी तो ऐसा नहीं है सुहाओ कैमरा फोटो में ढूंढ के लाए कैमरा, जरा सा भी थोड़ा सा ही पता चल जाता है ना कि ऐसा सा सीन था लास्ट टाइम का, बिल्कुल एकदम परफेक्ट याद होता ना, तो सोचते भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, तो नहीं कैमरा नहीं मिल रहा। एंड जैसा कि वो देखो पीछे बैठे रेड टी शर्ट में, उनसे बोलो कि कैमरा क्यों नहीं चालू किया था इन्होंने, क्योंकि इन्होंने कैमरा ऑन ही, कैमरा चालू था। क्या हुआ जो हमारी वीडियो नहीं आई 19 तारीख की, जो भी थी कैमरा की रिकॉर्ड। क्या था कि वो उसमें लाइट चली जाती है तो वो चश्मा लगा लो, पहले चश्मा लगा लो, चश्मा लगाओ भाई, चश्मा लगाओ, दोबारा से चालू नहीं हुआ वो सेटअप। हां इसलिए अब इनकी भी गलती, इनको लगा कैमरा चल रहा है, थोड़ी सी लाइट चली गई थी इसलिए प्लेबैक नहीं हो पाया। बस इस चक्कर में कुछ भी, बस लास्ट उम्मीद वही थी, किसने साथ नहीं दिया। चोरों का भरोसा नहीं है, किसी भी रूप में आ सकते हो कहीं। एक बात विशेष देख से, जब तुम गाड़ी छोड़ के इनको आए थे तो गाड़ी कहीं रोकी रास्ते कैमरा गाइस कैमरा मिल गया और उसी से ब्लॉग शूट हो रहा है, बिकॉज अभी जस्ट मिला है। कैसे कैसे क्या हुआ सीन मैं आपको बताऊंगी, शॉर्टकट में बताऊंगी, हाँ क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती। एंड बहुत खुश हूँ, बुद्धू ने पता नहीं कैसे कैसे क्या करा, फिर जाके कैमरा मिला। सबसे बड़ी बात कि इसमें मेमोरी कार्ड है, मेरे सारे ब्लॉग्स जितने भी थे सारी क्लिप इसमें है। यकीन नहीं हो रहा भाई, फिर भी यकीन नहीं हो रहा, बट मुझे फिर भी जानना है कि कैसे कैसे क्या हुआ। क्यों जानना है, जानना है मुझे क्या चक्कर, मैं इतने आसानी से कोई भी चीज़ एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती, मुझे जानना है तो जानना है। यानी कि तुम ना जिद्दी हो। मिल गया, खुशी हो गई भाई। हे फैमिली, जैसा कि आपने, आप सबको पता चल ही गया कि मेरा ब्लॉग मिल गया। एंड कैसे मिला यही बताने मैं आई हूँ फिर से। एंड गाइज अभी हो रहा है टाइम मॉर्निंग का 11 बज रहे हैं, एंड थोड़ी देर पहले मैं सो के उठी हूँ, फिर मैंने सोचा आपका जो भी ब्लॉग है वो इनकम्प्लीट है तो मुझे कंप्लीट करनी थी, तो जो भी स्टोरी है मैं आपको बता दूँ कैमरा कैसे मिला। गाइज जैसे कि आपको तो पता ही कैमरा कैसे चोरी हुआ था एंड कहाँ से चोरी हुआ था, कल उसके बाद में बुद्धू ने अपने दोस्तों को बोल दिया था
कुछ लोगों को कि हाँ यहाँ की जितने भी शॉप्स हैं जहाँ पे कैमरा बिकता है फिर फ़ोन वगैरह बेचने का जो भी शॉप है ना, सब पे आप बोल देना कि सोनी का कोई भी कैमरा आता है तो कॉन्टैक्ट करेंगे, और हमने नंबर भी दे दिया था उन्हें। तो बस जैसे वो चोर गया बेका, बट वो चोर नहीं मिला क्योंकि वो चोर किसी और के थ्रू उसने कैमरा बिकवाया था, तो वो उसे तो उसका तो पता नहीं चला। एंड हमने भी सोचा कि इतना तो टाइम हमारे पास भी नहीं है कि हम उसका खोजे कौन था क्या था, छोड़ो इनफ। और तो उसके बाद हमें कॉन्टैक्ट किया दुकान वाले ने कि हाँ सोनी के कैमरा है, आप आकर देख लो। सो देन हम गए तो हमने देखा वो हमारा ही कैमरा था, सब कुछ चेक किया, उसमें मेमोरी कार्ड, हमारे ब्लॉग्स वगैरह A to Z सब हमारा था। सो बहुत हैप्पी हूँ कि खोई हुई चीज़ तो ऐसे नहीं मिलती, बट हमारा इतना अच्छा लगता जो मिल गया। सो बस यही स्टोरी थी और मिल गई कैमरा। सो फैमिली मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप सबको? इंटरेस्टिंग था ना, मुझे भी बड़ा मज़ा आया, आप सबको मज़ा आया तो आप भी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बहुत सारा प्यार दीजिएगा, ओके? और ऐसे भी देना जरूरी है क्योंकि कैमरा खो गया था, ठीक है? तो थोड़ा प्यार सपोर्ट तो चाहिए, ओके? थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।